उसके बाद जब मैं वहाँ गया आर्ट कॉलेज में, तो वहाँ तो पढ़ना लिखना पड़ता था, लेकिन एक तरह से लिखाई पढ़ाई बड़ी कमजोरी रही। उसके बाद जब मैंने पास कर लिया तो मेरे को बाल भवन में नौकरी मिली। वहाँ रिसर्च वर्क होता था तो लाइब्रेरी में काफ़ी बैठना पड़ता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो वहाँ काफ़ी सब्जेक्ट्स की, जैसे डांस के ऊपर हमने एग्जीबिशन की, आवर अर्थ हमने एग्जीबिशन की, और बहुत सारी एग्जीबिशंस की, उसके रिसर्च वर्क वगैरह करें, तो वहाँ थोड़ी सी मेरी एजुकेशन हुई। और उसी टाइम में मेरे को पेट्रियट में काम करने का मौका मिला, वहाँ मैं हवाई स्टेशन करता था। तो एक नई दुनिया में मैंने यानी कॉलेज की पढ़ाई के बाद? नहीं, ये उससे पहले ही था। अच्छा, इवनिंग में ही था वो, वहाँ पे 68 की बात है जब स्वामीनाथन वहाँ थे, तो इलस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया। तो वहाँ मैंने पॉलिटिक्स भी समझी थोड़ी सी, कम्युनिज्म क्या है और बाकी कैपिटलिज्म, ये थोड़ा सा समझ में आया। और फिर वहाँ जो और मेरे साथी थे, मंगलेश डबराल थे, विजय थे, और एक गौरीशंकर कपूर थे, और फिर उनके दोस्त जो थे सौमित्र मोहन, तो एक ये चेन बन गई। और उनके साथ उठना बैठना और बातें सुनना, पढ़ना लिखना, हाँ। और न्याज बाबा आते थे, पोइट्री की बात होती थी इवनिंग के अंदर, वो बहुत एजुकेटिव था पीरियड। अच्छा, ये बताइए, स्वामीनाथन से आपका जो उन दिनों संवाद था, स्वामीनाथन से कुछ उनकी यादें आपको उन दिनों की क्या थे? देखिए, स्वामीनाथन एक बहुत ही डेडिकेटेड आदमी थे। वो सुबह आते थे अपना धुला हुआ कुर्ता पहन के 11-12 बजे, और जब तक का काम ख़त्म नहीं होता था प्रेस का, चाहे वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, या 1 बजे हो, तब तक वो काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन जो उनकी बातें थी बहुत मेरे को अट्रैक्ट करती थी, उनकी क्लैरिटी बहुत थी हर चीज़ में। और वैसे तो वो इंग्लिश में लिखते थे लिंक में, लेकिन वहाँ आके उन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में धारावाहिक भी लिखा वहाँ पे रोज़। अरे आज तो बुधवार है, आज तो इसकी किस्त जानी है, तो वो बैठ के वहीं लिखते थे तुरंत। तो बड़ा मतलब एक स्पॉन्टेनियस थिंकिंग वाला आदमी था। हाँ, तो उनकी पोइट्री उन्होंने भी लिखी, तो मेरे को जो पोइट्री का जो शौक़ हुआ तकरीबन वहीं उसी दौरान में हुआ, क्योंकि सारे पोइट्स वगैरह ये सब वो होते थे। तो मेरा कैटलॉग धूमिमल में छपा था, तो उसमें मैंने 4 लाइनें ऐसे लिखी थी। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई मेरे को पोइट्री लिखनी है, लेकिन धीरे धीरे रुझान पड़ता रहा, तो कुछ कुछ 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें, कुछ इस तरह से मेरी स्केचबुक में है जितनी भी पोइट्री है।